से जहां पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा पहुंची, राजीव भवन पदाधिकारियों से कर रही मुलाकात, 1-to-1 सभी से कर रही चर्चा। मंत्री रविंद्र चौबे भी पहुंचे राजीव भवन, 8 से ज्यादा विधायक भी पहुंचे राजीव भवन। पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा से मिलने पहुंचे विधायक। आपको ये बड़ी खबर रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा से विधायक मिलने पहुंचे, 8 से ज्यादा विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं। पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा से ये सभी विधायक मिलने पहुंचे हैं। पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा राजीव भवन पहुंची हैं, पदाधिकारियों से वो वहां पर मुलाकात कर रही हैं। आपको बता दें, सभी से 1-to-1 चर्चा कर रही है पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा। मंत्री रविंद्र चौबे भी राजीव भवन पहुंचे हुए हैं। आपको ये बड़ी खबर रायपुर से दिखा रहे हैं, 8 से ज्यादा विधायक राजीव भवन उनसे मिलने पहुंचे हैं। पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा से सभी विधायक मिलने पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, इस साल छत्तीसगढ़ में अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी एक्टिव मोड पर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़े हुए हैं। जी गौरव, आपसे जानना चाहेंगे कि कुमारी शैलजा सभी विधायकों से 1-to-1 बातचीत कर रही है, 8 विधायक वहां पर पहुंचे हुए, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, राजीव भवन में पीसीसी की प्रभारी जो है कुमारी शैलजा, वो पहुंची हुई है और लगातार उनसे मिलने के लिए विधायक भी पहुंच रहे हैं। अब तक 8 से अधिक विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे यहाँ पर पहुंचे हैं, साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो पदाधिकारी और खासतौर पर टिकटार्थी हैं वो पहुंचे हुए हैं, जिन्हें टिकट के आज से वे अपने बायोडाटा लेकर भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं और अपनी दावेदारी जता रहे हैं। कई ऐसे पदाधिकारी भी हैं जो कांग्रेस के सिटिंग विधायकों की सीट से ही टिकट मांग रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं एक चिंता की स्थिति जो है वो कांग्रेस के लिए जरूर दिखाई दे रही। तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपनी दावेदारी को सुनिश्चित करने के लिए पहुंचे, कई बायोडाटा लेकर भी पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं और लगातार पीसीसी की प्रभारी कुमारी शैलजा से मुलाकात कर अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि 2 दिन पहले ही चुनाव समिति की घोषणा हुई है और उसके बाद अब टिकटों के लिए दावेदारी का दौर जो है वो शुरू हो गया है। जी गौरव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको बता दें, पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा राजीव भवन पहुंची हुई है।